गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं जा रही हूँ हल्द्वानी। अभी सुबह के 5 बजे हैं और टैक्सी में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जा रही हूँ अपने पति के साथ। वो छोड़ने जा रहे हैं हल्द्वानी 2 दिन के लिए जा रही हूँ। और अभी तो थोड़ा अंधेरा ही लग रहा है। पहुंचने वाले हैं हम स्टेशन में अभी। चलो लाल कुआं पहुंच गए हम लोग। अभी लाल कुआं से थोड़ा ही है हल्द्वानी। गर्मी है बहुत हल्द्वानी में भी। जैसे निकल के आके तो और गर्मी लग रहा है। हल्द्वानी का बस अड्डा है। देखो बस ही बस है यहाँ पे। हमेशा यहाँ पे जाम लगी रहती है। पहुंच गई है पहुंचने वाले। मैं नीना के घर बहन के घर पहुंच गई। तैयार हो गए हैं नीना के घर से। अब निकल रहे हैं हम लोग कोया के घर जा रहे हैं। आज वहीं रहेंगे। शाम को शिव मतंका पूजा है। अभी हम दोनों तैयार हो रहे हैं दोनों बहन। फिर उसके बाद पोता को लेके फिर मार्केट से होते हुए बड़े भाई के यहाँ जाएंगे पोया के यहाँ। हल्द्वानी में बहुत तेज़ धूप है। बाप रे बहुत गर्मी है। देखो धूप कितनी तेज़ है। आँखों को चुभ रही है। मैं तो 12 बजे पहुँची। उसके बाद खाना वाना खा के सो गई थी। अभी उठी। देखो लिली मेरी बहन का प्लांट। ये बहुत बढ़िया फ्लावर। हम लोग जा रहे हैं तीनों बहनें। हेलो हाय। पोता को लेने आए। चलो थोड़ा थोड़ा वीडियो बना लूँ। क्या गर्मी है। गगन स्वीट्स, गगन स्वीट्स से मिठाई लेने भी गया है पहले। क्या गर्मी है। शाम को जाएंगे तो बहुत जाम लग जाएगा। अच्छा सर जल्दी जाओ। अभी जा रहे हैं हम लोग कोया के घर में। पोता और नीना गगन स्वीट्स के वहाँ पे
मिठाई लेने गए हैं। आज हमारा सुमितंग को पूजा करेंगे शाम को सब पोया के घर में। फिर कल होगा कुकी, कल होगी कुकी की सगाई। तो दोस्तों मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। ये दोनों बहने फ्रूट ले रहे हैं, मिठाई कोल्ड ड्रिंक तो ले लिया हम लोगों ने। ये पोया लोग के वहाँ जाने वाला रास्ता है, ये मुखानी चौरा से इधर मुड़ के आए हम लोग। पहुँच गए पोया के घर में। कार की सूचा नहीं लानी सूचा खोलचे हमसे गया खोलचे हमसे गया नीना वहाँ दबाए दबा तो उधर से पहुंच गई फिर मैं पोया के घर में। शुरू हो जाए सीधे ये बोल। ये देखो भाई दारचूला से आया है मेरे पोया, दिल्ली वाले भैया, और ये भाई साहब लखनऊ से, और जीजा जी दिल्ली से, और ये दादा लद्दाख से, सब आ गए हैं। कल की तैयारी हो गई है, मेहमान लोग यहाँ बैठेंगे कल, सब लगे हैं भाई बहन बच्चे दीदी बेटा सब। तैयारियाँ हो गई है, कल कुकू की सगाई है यहाँ पे। ओहो सिंची प्रणाम। कितनी अच्छी आवाज चल रही है, दूर छुप रहा है। तैयारियाँ हो गई है, चलो ये देखो लखनऊ से आगे टमाटर काटे इस समय। ये है बड़ी हमारी दीपा छमे। ये देखो ये बहन ये रोटी बेल रही है, एक बहन अभी तल के आ गई किचन में। ये देखो जंक्शन कर रहे हैं, ये हमारी पोत छमे है, ये शेंची हमारी, ये देखो तैयारी बना रहे हैं। ये है हमारी मछली दीदी मच्छत्ता, ये शिवतंगो पूजा की तैयारी चल रही है जोर शोर से, सब लोग लगे हैं, सब बिजी है। ये हमारे अचू बड़े अचू आ गए हैं। हाँ अकेले भी क्या चीज़ हमारे साथ की जरूरत तो। और ये देखो लगे हैं मेरे भाई, दो भाई हैं चाय बनाने में। और जीजा जी क्या क्या आप कुछ नहीं करोगे, हाथ पे हाथ धरे रख बैठे रहोगे। ये देखो तैयार हो रहा है, चाय बनाने की तैयारी कर रहे हैं भाई लोग। ये देखो एक्सपर्ट हमारे यहाँ है सबसे अच्छे तो शाह बनाने के एक्सपर्ट यहाँ के, हाथ का शाह का तो बात ही कुछ और है। बजाते हैं ना, सुमितंग का पूजा ठोम कर रहे हैं हम लोग, सब लोग आए हैं। मनी दे यार, ये मनी दे दे मनी।
मत आता है ना साहब, क्या क्या चीज है मत अच्छा पूछो चाबी मौसी देखो है। आ रहे आ गए सब। ये दीप चाचा काम करते हुए जी, थैंक यू। आशीर्वाद आशीर्वाद। अभी आए लोग। क्या नाम है इस कुट्याल का? क्या नाम है भैया का? बताओ भैया का नाम बताओ। हाँ बेटा बताओ, बताओ भैया का नाम बताओ, भैया को नाम बता, भैया का नाम बता। ओके, कहता मच्छोरी ने सब्जी बनाया, दाल बनाया और पोता ने छाकू बनाया और हमारे भाइयों ने शाह बनाया। और देखो वो भैया लोग को बुलाए, खाना देंगे अंदर, जल्दी बुलाता हूँ उनको। और बच्चे देखो, जवान जवान बच्चे फटाफट काम कर रहे हैं। ये मेरा भाई मोबाइल में लगा है। फूफू लोग खाना छर्म करते हुए और मेरी चाची भी और मेरी मौसी भी और दीप चाचा खाना परोसते हुए। अब आप सोच रहे होंगे मैं कौन हूँ? मैं हूँ शैलजा गर्ब्याल। आपका हाँ क्या नाम है बता तो जल्दी। अरे भाग रही है तो। ये खाना खा रहे हैं बड़ी छे में और कुकू वाले पहुंचाने नहीं आते हैं। कुकू कैसा लग रहा है फिर सगाई हो रही तो? कैसा लग रहा है? क्या सही लग रहा है? हंस रही है। तो दोस्तों मैं कुकू को छेड़ रही थी, सब तैयारियां हो गई, पूजा भी हो गया, खाना पीना खा के अब कल होगी सगाई कुकू की। तो ये पूजा हमारे यहाँ कुछ भी शुभ कार्य होता है तो ज़रूर अपने पितरों और अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं एक दिन पहले, तो वो पूजा थी। तो दोस्तों थैंक यू।